क्या हो जब जनपद का कलेक्टर या फिर एसएसपी आम ग्राहक बनकर फल एवं सब्जी मंडी पहुंच जाए और वो वहां जाकर ना सिर्फ रेटों का पता करे बल्कि सामाजिक दूरी का सच भी खुद मौके पर पहुंचकर जांचे परखे। नमस्कार, मेरा नाम साजिद सैफी है और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। हम बात कर रहे हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर की, जहां के डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह अचानक से देर रात आम आदमी बनकर, आम नागरिक बनकर बुलंदशहर में स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर डीएम और एसएसपी की ओर से न सिर्फ सामाजिक दूरी को परखा जाता है बल्कि जो रेट लिस्ट जिला प्रशासन की ओर से लगातार बनाई जा रही है, क्योंकि जो लॉकडाउन का ये बुरा दौर है इसमें मुनाफाखोरी ना हो, कालाबाजारी ना हो, इन सब के लिए जो रणनीति जिला प्रशासन की ओर से बनाई जा रही है उसे परखने के लिए डीएम और एसएसपी सादा लिबास में एक वैगन आर कार में सवार होकर अचानक मंडी पहुंच जाते हैं। किसी को नहीं पता होता है कि मंडी आने वाले जो दो शख्स हैं, जो आम नागरिक लग रहे हैं, वो जनपद के डीएम और एसएसपी हैं। डीएम और एसएसपी की ओर से वहां पहुंचा जाता है। जाने के बाद वो सामाजिक दूरी, वहां तैनात पुलिसकर्मी, वहां सब्जी और जो फ्रूट्स बेचे जा रहे हैं उनका रेट, ये तमाम चीजों की जांच करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का सच जानने के लिए सादा लिबास में डीएम एसएसपी प्राइवेट कार से पहुंचे सब्जी मंडी। डीएम और एसएसपी ने आम आदमी बंद कर लिया लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जायजा। लॉकडाउन का सच जानने के लिए वैगनार कार से निकले थे बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह। डीएम और एसएसपी को मंडी में कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन तो कहीं ठीक मिली स्थिति। डीएम ने बुलंदशहर की सड़कों पर भी जाने हालात। शहर के नुक्कड़ और चौराहों पर तैनात मिली पुलिस। आपको बता दें कि बुलंदशहर डीएम पहली बार नहीं जब अचानक से फल एवं सब्जी मंडी पहुंचे हो। असल में डीएम बुलंदशहर अपने इन्हीं कामों को लेकर जाने जाते हैं। वो अपने नीचे के कर्मचारियों को जो दिशा निर्देश देते हैं उनका सच परखने के लिए अचानक से खुद आम आदमी बनकर कहीं भी पहुंच जाते हैं। इससे पहले भी जो बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार हैं वो अचानक वैगनार कार में सवार होकर सिकंदराबाद पहुंचे थे और उन्होंने वहां भी जो सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने को तैनात पुलिसकर्मी लगाए गए थे उन पुलिसकर्मियों का और क्या हालात हैं इनका सच परखा था। इस दौरान सिकंदराबाद में डीएम रविंद्र कुमार को एक सिपाही द्वारा रोक करके लॉकडाउन का पाठ पढ़ाया गया था। उस वक्त वो सिपाही नहीं जानता था कि जिन्हें वो लॉकडाउन के नियम और कानून बता रहा है वो बुलंदशहर जनपद के डीएम है। हालांकि उसके बाद बुलंदशहर डीएम और एसएसपी की ओर से सिपाही के को सम्मानित किया गया था। सिपाही का मनोबल बढ़ाने के लिए बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह की ओर से सिपाही को 2000 रुपया का नगद इनाम भी दिया गया था। अगर आप टाइम 24 की तमाम ऐसी ही खबरें देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करके फॉलो कर लें। और हाँ, आपको समय समय पर सभी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसलिए आप बेल आइकॉन जरूर दबा लें। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।